ये कहानी है एक शेरनी और एक बंदर की दोस्ती की। एक जंगल में एक बंदर रहता था, उसका नाम था टिल्लू। एक दिन टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टिल्लू जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुँचना है वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज़ आई। टिल्लू आवाज़ की सिम भड़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर इसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक इसकी नज़र गड्ढे की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना तो बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे भी भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई। मगर एक रोज़ शेरनी ने वाकई अपने दोस्त का एहसान का बदला चुका दिया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। उस दिन टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था और इसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने इन्हें देखकर होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, वाह दिगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दिगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके इसे अपने पंजों में दबोच लिया। दिगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टिल्लू चिल्ला चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में इसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दिगड़ू चीता भी फौरन छलांग मार के नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दिगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं मैं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दिगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबा के वहां से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं भाई टिल्लू, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला के अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो हमेशा इनका साथ देना चाहिए।